हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है बिना वेब दुनिया। और आज के वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं, इस वीडियो में आज हम सभी सीखने वाले हैं एल्बम की डिजाइनिंग। एल्बम की डिजाइनिंग सीट की जो डिजाइनिंग होती है वो, उसकी डिजाइनिंग हम कैसे करेंगे, तो आज हम इस वीडियो में ये सीखने वाले हैं। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लिए, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में, ताकि ये वीडियो उन्हें भी मिल सके और ये नॉलेज जो है उन्हें भी हासिल हो सके। दोस्तों, सब्सक्राइब करने के बाद अपने वीडियोज़ में, अपने चैनल में जो है बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और सबसे पहले आपको जानकारी मिले। काफ़ी दिनों तक मैं वीडियो नहीं बना पाया, सॉरी दोस्तों। और काफ़ी सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा था कि सर आपके वीडियोज़ नहीं आ रहे हैं, क्या बात है। तो आज बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, और चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम ओपन करेंगे फोटोशॉप, और फोटोशॉप ओपन करने के बाद हम कोई इमेज एक ओपन कर लेंगे जिसे हमें ब्लर करना है, फोटोशॉप में बनाना है। तो चलिए मैं ये वाली इमेज जो है फोटोशॉप में ओपन कर लेता हूँ। और इस फ़ोटो को क्रॉप करने के लिए आपको यहाँ पर लिख लेना है 36 में इंच में और 18 हाइट। रेजोल्यूशन आप 100 भी कर सकते हैं, 300 भी कर सकते हैं। क्रॉप बटन पर जाएंगे और आप सेलेक्ट करके क्रॉप कर देंगे, इंटर बटन ओके कर देंगे और कंट्रोल माइनस से इमेज को थोड़ी सी छोटी कर लेंगे। ब्लर करना चाहते हैं आप, ब्लर कर लीजिएगा। ब्लर करने के लिए आप जाएंगे फिल्टर मेनू में, ब्लर में और गाजियन ब्लर में जाएंगे। देखिए जितना आपको चाहिए उस हिसाब से आप ब्लर कर सकते हैं इसको, और ये देखिए ओके कर देंगे। देखिए हमारी इमेज जो है वो ब्लर हो गई है। कंट्रोल एल बटन प्रेस करके लेबल में थोड़ा इसको डार्क कर सकते हैं या लाइट बढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए, चलिए अब हम बनाते हैं सेब। तो सेब बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेब बनाने के लिए हमें आपको जाना पड़ेगा इस टूल पर जिसका नाम है कस्टम सेप टूल। आप कीबोर्ड से यू बटन भी प्रेस कर सकते हैं। ये देखिए, आप यू बटन प्रेस करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। और आप यहाँ पर जाएंगे और इसके ऑप्शन में ओपन करेंगे। ये देखिए यहाँ पर सेप्स बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके में। अगर ये पूरा नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पर जाइए, ऑल पर जाइए और अपेंड कर दीजिए, तो ये सारी चीज़ें सभी ऑप्शन खुल जाएंगे एक साथ। तो चलिए मैं यहाँ पर कोई इमेज ले लेता हूँ, सेप ले लेता हूँ कोई भी, जो कि आपको अच्छा लगता है आप यहाँ से ले सकते हैं। उसके पहले कंट्रोल शिफ्ट एन बटन प्रेस करिए एक न्यू लेयर यहाँ पर क्रिएट करने के लिए। तो ये देखिए, जो भी इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लीजिए अगर आपका इमेज छोटा भी है तो, ताकि जो जो आप एक्टिविटी करें तो वो बाजू में आपको लेयर में दिखता जाएगा। फोटोशॉप में जितने भी काम होते हैं वो सब लेयर वाइज ही होते हैं। जितनी बार आप लेयर क्रिएट करते जाएंगे तो आपको ये लेयर वाले ऑप्शन में आपको शो होता रहेगा। तो चलिए मैं शिफ्ट बटन प्रेस करके और ये कर देता हूँ। इंटर बटन प्रेस करने के बाद आपको राइट क्लिक करके रेस्टराइज लेयर कर लीजिए ताकि लेयर फ्री हो जाए, और आप इसमें जाके कोई भी कलर भर सकते हैं। सपोज रेड किया, अगर आपको वाइट करना है तो आप कंट्रोल यू से भी इसको वाइट कलर कर सकते हैं। ये देखिए, इसको साइड में करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ओके बटन मैंने प्रेस कर दिया है, ये देखिए। और यहाँ पर देखिए कितना अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा इसको आप बड़ा कर लीजिए। कंट्रोल ए करके अल्टर आई पी बटन प्रेस करेंगे और इसको एक और लेयर बनाएंगे। कंट्रोल जे बटन प्रेस करेंगे और इस लेयर को हम कर लेंगे ब्लैक, ठीक है। कंट्रोल यू बटन प्रेस करेंगे
और ये देखिए ब्लैक हो गया। आप इसका सेंटर पॉइंट जो है आप जहाँ से रोटेट करना चाहते हैं तो सेंटर पॉइंट यहाँ पर रखिए, और मैं यहाँ से इसको रोटेट करना चाहता हूँ ये देखिए। और इसको फिर से आप एक लेयर बनाइए कंट्रोल जे से और कंट्रोल यू बटन से इसको वाइट कर दीजिए ऊपर वाला लेयर, और इसका फिर से सेंटर थोड़ा सा आपको घुमा के ले जाना है दूसरी जगह, तो ये देखिए, और थोड़ा सा इसको पकड़ के खिसका दीजिए। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये, और इसको थोड़ा सा आप दाएं बाएं कर सकते हैं। सबसे अंदर वाला जो लेयर है उसको पूरा पूरा दिखाने के लिए आप इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं, अच्छा लगेगा। ये देखिए अब ऊपर वाले लेयर में मैं कुछ कलर कर देता हूँ, और एक और लेयर मैं क्रिएट कर लेता हूँ ब्लैक, जिसमें कि हमें कोई भी इमेज रखना है। तो इसको आप कर लीजिए फिर से सेंटर यहाँ से, और ऐसे थोड़ा सा रोटेट कर लीजिए। ये देखिए ऊपर वाला जो लेयर है इसमें कोई भी इमेज हम एंटर करेंगे, तो फ़िलहाल इसको मैं थोड़ा सा कलर अलग दिखाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ये देखिए अब चलिए दूसरा लेयर मैं कुछ बना लेता हूँ शेप यहाँ पर। ये देखिए मैं शेप बना लेता हूँ ये वाला, और यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट एन बटन प्रेस करिए, इंटर बटन कर दीजिए नया लेयर बनाने के लिए, और शिफ्ट बटन दबाइए। ये देखिए और यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट अल्ट बटन प्रेस करके एक और बना लीजिए इसका लेयर, डुप्लीकेट लेयर, और दोनों को आप रेस्टराइज लेयर कर लीजिए ताकि जब भी आप चाहें कलर चेंज हो सके दोनों का। और दोनों को सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा आप इधर रख लीजिए ऐसे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, और देखिए दोनों इमेज का एक कॉपी बनाने के लिए आप कंट्रोल्स दोनों को सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट अल्ट बटन दबाएंगे, और इसके बाद इन दोनों को हम कर लेंगे और इसको कर लेंगे वाइट, ठीक है। और इन दोनों को हम सेलेक्ट करने के बाद कर लेते हैं ब्लैक, क्योंकि इन दोनों में हमारी जो इमेज है वो आने वाली है, और जो बैकग्राउंड में है वो हम उसको शैडो में छुपाने के लिए बना रहे हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, और एक और इसका लेयर बनाएंगे। ये देखिए और इसको हम कर लेंगे जॉइंट कलर, और इसको भी कर लेते हैं वाइट, और इसको भी कर लेते हैं थोड़ा सा एक लेयर अंदर। देखिए और ये जो आपका लेयर है ये थोड़ा सा मैं अंदर करूँगा थोड़ा सा, ताकि बॉर्डर इमेज रखने के बाद आपको समझ में आए। और बस अब चलिए इधर भी एक शेप ले लेता हूँ मैं, यू बटन प्रेस करिए शेप में जाइए, और यहाँ पर लीजिए आप कंट्रोल शिफ्ट एन बटन प्रेस करिए नया लेयर बनाने के लिए, और यहाँ पर आप कलर लीजिए वाइट। बहुत सारे दोस्तों क्या बोलते हैं कि उनका कलर जो है चेंज नहीं होता है, और जब भी आप दूसरा भी कोई कलर फील करते हैं उसके बाद जब भी शेप बनाते हैं तो उनका कलर जो है चेंज नहीं होता है, तो कलर यहाँ से चेंज हो जाएगा जो भी यहाँ भी कलर ये दिखता है। आप फोरग्राउंड में ऊपर वाले कलर में यहाँ पर कलर चूज कर सकते हैं, जो भी कलर आप यहाँ से चूज करेंगे यहाँ भी दिखाई देगा, और अगर नहीं तो आप यहाँ पर क्लिक करके ऐसे यहाँ से कलर जो है चूज कर सकते हैं। देखिए तो इसको भी रेस्टराइज लेयर कर लीजिएगा। इसको थोड़ा सा इमेज को आप एडजस्ट कर सकते हैं शेप को इधर उधर, और अब देखिए कंट्रोल ए बटन प्रेस करके अल्टर आई पी से क्रॉप कर लेंगे जो बाहर वाला इमेज है इस शेप का, ये देखिए अब अंदर अंदर बचा हुआ है। कंट्रोल जे करेंगे, कंट्रोल यू,
और कंट्रोल कलर को थोड़ा सा आप इसको लेयर बना लेंगे अलग से, और इसका सेंटर जहाँ से हमें रोटेट करना है वहाँ पर रखेंगे। ये देखिए, और एक और लेयर बनाएंगे कंट्रोल यू से कलर करके, और यहाँ से इसका सेंटर पॉइंट हमें यहीं पर एक ही जगह पर रख के सभी घुमाना है ताकि वो दिखने में बहुत ही अच्छा लगे। और ये देखिए, और इस इमेज को थोड़ा थोड़ी सी आप बड़ी कर लीजिए, थोड़ी सी। ब्लैक वाला भी उसके साथ एडजस्ट कर लेंगे आप। ये देखिए, अभी ये ऊपर वाले में हमें इमेज रखना है, बाकी में हमें ब्लैक छोड़ना है। तो चलिए हम कोई इमेज रख देते हैं जो भी हमें बनाना है, और देखिए हमारे पास कुछ इमेजेस हैं, और ये इमेज मैं रख देता हूँ। तो ये देखिए, ये वाली इमेज मैं लूँगा, फोटोशॉप में ले जाऊँगा और यहाँ पर ले जा कर छोड़ देंगे, सेंटर में ले जा कर छोड़ना है। कंट्रोल ए कंट्रोल एक्स से फ़ोटो को कट कर लेंगे, कंट्रोल डब्ल्यू से इस वाले पेज को क्लोज कर देंगे, कंट्रोल शिफ्ट भी बटन से इस बॉक्स के अंदर इसको पहले कंट्रोल बटन सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल बटन दबाकर इस पे बॉक्स के अंदर यहाँ पर आप जहाँ पे लिखा हुआ है सेव टू कॉपी G6, तो यहाँ पे यहाँ पर कंट्रोल के साथ क्लिक करने करेंगे, और ये जब रेखा जो है चारों तरफ हो जाएगी सेलेक्ट हो जाएगा, तो कंट्रोल शिफ्ट भी बटन प्रेस करेंगे बॉक्स के अंदर इमेज को पेस्ट करने के लिए। ठीक है, फिर अल्टर शिफ्ट बटन दबा के इमेज को थोड़ा बड़ी करेंगे। देखिए इमेज कितनी अच्छी लग रही है, और इमेज आ चुकी है। अभी इस वाले बॉक्स के अंदर हम कोई इमेज लगाएंगे, तो चलिए मैं देख लेता हूँ। ये वाली इमेज मुझे इस बॉक्स के अंदर रखना है, तो ये इमेज हम ले जाके यहाँ पर रोको, इसको भी कंट्रोल एक्स कंट्रोल, इसको भी कंट्रोल प्लस ए क्लिक करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट वी से पेस्ट करेंगे उस बॉक्स के अंदर, और इमेज को थोड़ा सा बड़ी कर देंगे और इंटर बटन प्रेस कर देंगे। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और ये देखिए, अब इन दोनों बॉक्स के अंदर हमें कुछ कुछ इमेजेस जो है रखने हैं, तो ये इमेज को मैं रख देता हूँ फोटोशॉप में ले जाऊँगा। फोटोशॉप में ऐसे ले जाना है, फोटोशॉप में ले जाके छोड़ देना है इमेज को, और जैसे इमेज ओपन हो जाएगी तो इसको कंट्रोल ए कंट्रोल एक्स कंट्रोल डब्ल्यू से पेज क्लोज और कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे, और कंट्रोल शिफ्ट बी से बॉक्स के अंदर पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल शिफ्ट सॉरी शिफ्ट अल्ट बटन प्रेस करेंगे, और इसके बाद इमेज को थोड़ा सा बड़ी कर देंगे। ये देखिए इमेज को थोड़ी सी छोटी कर देते हैं, ज़्यादा बड़ी हो गई है। ये देखिए, इस वाले बॉक्स के अंदर हम कोई भी इमेज इंटर करेंगे, तो ये देखिए मैं ये वाली इमेज ले लेता हूँ इसके लिए फोटोशॉप में यहाँ पर, और फोटोशॉप में ओपन करेंगे तो हमें ज़्यादा एरिया नहीं लेना है, सिर्फ इतना एरिया हमें फोटोशॉप का लेना है इसमें, तो उतना एरिया आप यहाँ पर से जाके सेलेक्ट करके कंट्रोल एक्स से कट कर लेंगे, बाकी का प्लेस कंट्रोल डब्ल्यू से क्लोज कर देंगे, और कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे सेलेक्ट कर लेंगे इस पेज को, और ये देखिए कंट्रोल शिफ्ट वी बटन से प्रेस पेस्ट कर देंगे, और इमेज को थोड़ा सा बड़ी कर लेंगे। ये देखिए, और एक इमेज हम शेडो के रूप में छुपाएंगे इसमें ले जाके, तो उसके लिए हमें ये वाली इमेज चाहिए। इमेज को कंट्रोल ए कंट्रोल एक्स कंट्रोल डब्ल्यू से क्लोज कर देंगे, और इसको कंट्रोल शिफ्ट वी नहीं करेंगे पेस्ट के लिए, क्योंकि हमें बॉक्स के अंदर नहीं रखना है, नॉर्मली रखना है, तो कंट्रोल वी से ही पेस्ट कर देंगे। आप ये देखिए इमेज को यानी कि बैक साइड ले जाना है, तो ये देखिए सभी इमेजेस के अंदर जो है हमें ये इमेज ले जाना है।
इसमें इसको थोड़ा सा कॉर्नर जो है इसका हम ब्लर कर देंगे ताकि दिखने में बहुत ही अच्छा लगे। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये इमेज, ये इमेज हम यहाँ से थोड़ा थोड़ा ब्लर कर देते हैं और बाजू बाजू में, और इस इमेज को कर देंगे हम हाइड। इमेज को थोड़ा सा हम छुपा देंगे ताकि दिखने में थोड़ा अच्छा लगे। और ये देखिए ये इमेज जो है कितनी अच्छी लग रही है। तो चलिए आज का हमारा वीडियो कंप्लीट हो गया है। देखते रहिए और सीखते रहिए बिना वेब दुनिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।